हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, डेटा टाइप में हमने एरे तक पढ़ लिया, ये सारे मैथ ऑपरेटर पढ़ लिए, कंडीशनल दोनों हमने पढ़ लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने सारा पढ़ लिया, लॉजिकल भी सारा पढ़ लिया, फॉर लूप और मैप हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप और मैप पढ़ने के बाद अब हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस को पढ़ने के बाद फिर हम सबसे लास्ट में ना ये ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया भाई। अच्छा, फंक्शन में आ जाते हैं ज़रा, कि फंक्शन क्या आज भला है भाई। एक मैं क्या कर देता हूँ, नया फोल्डर बना देता हूँ, 18 ES6 फंक्शंस, ठीक हो गया। ES6 फंक्शन में आके सब कुछ उड़ा देता हूँ मैं, और एक हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ES6 से पहले ना जरा ES5 में देख लेते हैं फंक्शन बनते कैसे, ठीक है। ES5 पहले देखते हैं, फिर हम ES6 फौरन देख लेंगे जल्दी से। फंक्शन साथ में उसका नाम, मैंने कहा कि सम, ठीक है, डू सम बोल के, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जैसे आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं कोई भी, वही सारे रिस्ट्रिक्शन इसमें भी हैं कि स्पेशल कैरेक्टर में क्या, दो ही कैरेक्टर आएंगे सिर्फ, डॉलर या अंडरस्कोर, उसके अलावा वेरिएबल के नाम में कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके बीच में और इसके आखिर में नंबर आ सकता है, ठीक है। तो यही रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल के नाम में सारी, तो वही सब इसमें भी है, उसके अंदर रहते हुए आप कोई भी इसका नाम रखें। कैमल केस में मैंने इसका नाम रखा है, आप भी कैमल केस में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जैसे वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना ज़रूरी है, इसी तरह फंक्शन का नाम भी एक वेरिएबल के नाम की तरह ही है, तो इसका भी डिस्क्रिप्टिव होना ज़रूरी है। तो समटाइम आपको दो या तीन वर्ड्स को मिला के आप फंक्शन का नाम रखते हैं, जैसे वेरिएबल में होता था, तो उस केस में आप कैमल केस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद इसके होंगे पैरामीटर्स। मैंने कहा कि पैरामीटर num1, num2, ये इसके पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये फंक्शन करेगा, ये हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फंक्शन को बहुत अच्छे से कि है क्या चीज़। मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 + num2, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, ये वो रिटर्न है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। ये आज उसका भी खुलासा हो जाएगा कि वो क्या चक्कर रहा सारा शुरू से ना, तो हम वो खुद करके देखेंगे वो चीज़ें सारी। ये फंक्शन जब मैं कॉल करूँगा इसको, ये दो पैरामीटर्स दूंगा, तो ये क्या करता है, उस दोनों को प्लस करके मुझे रिटर्न कर देता है वो वैल्यू। अच्छा, ये फंक्शन अभी सिर्फ बनाया गया है, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन कॉल जब होगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा डू सम, ठीक है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन मैं कॉल करूँगा तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं दोनों पैरामीटर्स जो इसमें एक्सपेक्टेड है वो मैं दूँ। तो मैंने कहा 2, 5, दो वेरिएबल्स, दोनों पैरामीटर मैंने पास कर दिए। अच्छा, अब ये फंक्शन जब चलेगा तो ये 2 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, 5 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, और ये पूरा प्रोसेस जो भी इसके दरमियान में वो होगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगी ना वो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी। मतलब क्या है कि ये इतना कोड ना खुद गायब हो जाएगा, ये जो फंक्शन कॉल है ना, फंक्शन कॉल जो है ये खुद हट जाएगा, इसकी जगह रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और वो क्या होगी, वो 7 होगी। अच्छा, तो ये 7 क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं, अभी हवा में गुम हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाया ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको या तो लेट ए करके किसी वेरिएबल में पकड़ दूंगा मैं, तो वो क्या होगी फिर, वो सम ये ख़त्म होगा ना, 7 आएगा इसकी जगह, तो वो वेरिएबल में चला जाएगा, या मैं इसको डायरेक्ट console.log के अंदर भी लिख सकता हूँ, console.log, ठीक है, एंड देन
है। अब जब ये डू सम चलेगा, ये खुद गायब हो जाएगा, इसकी जगह सेवन आ जाएगा, ठीक है। यही है ना, रिटर्न वैल्यू शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिटर्न वैल्यू क्या होती है कि जो लाइन लिखी गई है वो खुद हट जाए, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न। तो ये सेवन अब स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि अब मैंने करवाया है। मैं अगर पहले की तरह लिखता तो वो हवा में गुम हो जाता वो स्क्रीन पर। यार ईगो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा साउंड में, है ना? हालांकि ईगो बंद है नीचे से, पता नहीं क्या। हेलो 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 हेलो, जब ऐसे ईगो ईगो ऑन हुआ होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी मैं नाते पढ़ना शुरू कर दूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरी ही आवाज़ है, कुछ फ़र्क आ गया है ना, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। हेलो 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 हेलो, बहुत मसला है इसको सेट करना। हेलो 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 हेलो, सही है, पहले से बेहतर है कुछ। असल में यहाँ पे मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं इसी डेस्क पे, तो वो मे भी के उनको नातों वाला माइक ज़्यादा पसंद हो। अभी भी वैसे ये ख़त्म, असल में शायद खामोशी ज़्यादा हो गई क्लास में, खामोशी का तोड़ निकालते हैं। हाँ खामोशी शायद ज़्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ना गड़बड़ हो रही थी, अब थोड़ा सा शोर आ गया। बाय द वे, एक इनकी रोल्स रॉयस वालों की एक कार है घोस्ट करके कुछ है, उसका जब सेकंड एडिशन लॉन्च हुआ था ना तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गई थी, यही वाली। यार ये कुछ माइक में ही गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है, सीटी मार रहा है ना माइक। अच्छा बंद हो गया था। हेलो हेलो हेलो, अब कुछ बेहतर हो गया ना, लेकिन मुझे अभी भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी है आवाज़ पीछे ना बैकग्राउंड में। अच्छा थोड़ा सा और कम करते हैं। अच्छा तो उसमें ये हुआ था गड़बड़, उन्होंने ये की थी कि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए ना मोटे मोटे पैड बहुत ज़्यादा लगा दिए, वैसे तो होते हैं गाड़ी में नॉइज़ कैंसिलेशन के ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, तो वो इतनी ज़्यादा साइलेंट हो गई थी कि जब उसमें बंदा बैठता था ना तो उसको उल्टी आना शुरू हो जाती थी। जब ज़्यादा साइलेंट हो जाए ना माहौल तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। एकोस्टिक चैम्बर का नाम सुना है तुम लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट के, अभी हम चैटबॉट पढ़ने लगे हैं तो उसमें भी जिक्र होगा इसका, तो वो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं ना, जो गूगल असिस्टेंट से जो आपको आवाज़ आती है वो असल में रिकॉर्डेड आवाज़ होती है किसी रियल बंदे की आवाज़। अब तो खैर वो चेंज कर रहे हैं उसको, न्यूरल नेट पे, वो पता नहीं वेव नेट पे जा रहे हैं, तो वो एकोस्टिक चैम्बर उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है वो, इतना साइलेंट होता है कि आपको अपने हाथ के अंदर जो खून जा रहा है ना उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देती है, आपको अपने दिल की धड़कन धप 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 फील होती है, इतना ज़्यादा साइलेंट है वो। तो उसमें मैक्सिमम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना उसके अंदर रहने का वो 45 मिनट है, और एक मेडिकल टीम भी रेडी रहती है साथ में। 45 मिनट से ज़्यादा आज तक कोई इसमें रह नहीं पाया, मर जाते हैं बंदे, मतलब मर भी सकता है, इतना फेटल है। तो बहुत ज़्यादा खाम, हालांकि ऑक्सीजन वगैरह ओके है उसमें, वो सब उन्होंने बनाया हुआ है, ऑक्सीजन वगैरह का इशू नहीं है, वो इतनी ज़्यादा खामोशी से भी मर सकता है बंदा। वो फेटल होती है। एक टीस सुनाई देने लगती है वो, कहीं ब्रेन की कोई फ्रीक्वेंसी है पता नहीं, वही आने लग जाती है आवाज़। होता है ना जैसे अगर पाइप से पानी चढ़ रहा हो टैंक में जा रहा हो तो आप पाइप में कान लगाते हैं तो आपको पानी की आवाज़ आती है, आपको इस तरह अगर अपने रगों में खून दौड़ने की आवाज़ आने लगे तो आधा तो वैसे ही बंदे का हार्ट फेल हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा यही वजह है कि जो लोग शहरों में रहने के आदी होते हैं, जैसे हमारे पास शहरों में ट्रैफिक बहुत होता है, शोर बहुत होता है, तो वो अगर अचानक उनको किसी देहाती इलाके में भेज दिया जाए गाँव वगैरह में तो उनको तो वैसे ही वो आधे जो है ना वो आउट हो जाते हैं कि यार ये मैं कहाँ आ गया,
और जब वो उस आसमान पे देखते हैं ना इतने सितारे, वो यार इतने सितारे तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे. तो वो थोड़ा एक दो दिन उनको समझने में ही लग जाता है कि ये हुआ क्या है. वेल अच्छा, तो हमने ये देखा भाई कि एक फंक्शन बना के उसको कॉल किया और उसमें से एक रिटर्न वैल्यू आ रही है. अच्छा ये फंक्शन अब भला क्या है इसको ज़रा हम समझते हैं. व्हाट इज़ अ फंक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग. अच्छा फंक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना उसमें से. फंडामेंटल्स का मतलब क्या है कि दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है. ठीक है फंडामेंटल. जैसे फंडामेंटल क्या क्या पढ़ा हमने, वेरिएबल्स फंडामेंटल है. वेरिएबल हर लैंग्वेज में होंगे, किसी और नाम इसमें लेट करके हो रहा है उसमें किसी और तरह, लेकिन होगा. इफ एल्स है सब में. इफ एल्स के अलावा मैंने नहीं आज तक कोई लैंग्वेज देखी जिसमें इफ एल्स ना हो. अच्छा फॉर लूप सब में है. अच्छा और जो एरे है सब में है वो. उसके अलावा ये फंक्शन है और अभी हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो भी सब में है. तो फंडामेंटल्स में ये शामिल है. तो अगर आप जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपने फंक्शन को अच्छी तरह समझ लिया तो दुनिया की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें फंक्शन आता है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप सीख जाएंगे. ठीक है तो फंक्शन क्या भला है भाई. फंक्शन ये है जैसे एक रियल लाइफ का सिनेरियो देखते हैं. जैसे अभी देख रहे हो मेरे हेयर ड्रेसिंग का मेरा टाइम आ गया. बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सब मूछें बड़ी हो गई हैं. गब्बर सिंह हो गया हूँ मैं अभी. तो मुझे अभी जाना है हेयर ड्रेसर के पास. अच्छा अब हेयर ड्रेसर के पास जब मैं जाऊँगा, मेरे साथ ये हमेशा से मसला है हेयर ड्रेसर वाला ना कि उसको समझाना बहुत पड़ता है. उसको पहले ये समझाना पड़ता है कि यार सीज़र कटिंग काटनी है. अच्छा बिल्कुल छोटे नहीं करने, बच्चों वाली नहीं काटनी, थोड़ा बड़ा रखना है. अच्छा फिर उसको समझाना पड़ता है कि यार ये जो कलम है ना साइड वाली इसमें वो एक कट लगा देते हैं. तो ये मना उसको पहले बताना पड़ता है कि यार इसमें कट नहीं लगानी, इसको सीधा रखना ही हो, इसको दाढ़ी के साथ जोड़ना ही हो सीधा. अच्छा फिर पीछे से स्क्वायर रखना है, ये भी उसको बताना पड़ता है. लेकिन बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं रखना, जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प स्क्वायर भी नहीं होगा, हल्का सा राउंड होगा कॉर्नर से लेकिन होगा स्क्वायर. अच्छा और उसको अब ये दाढ़ी मूछ का ही बताना पड़ता है. हाँ ये पूरा भैया बता रहा हूँ, रूटीन है मेरी ये जब भी जाता हूँ ना मैं पूरा बताता हूँ उसको. तो अच्छा फिर उसको मैं बता रहा है कि दाढ़ी पे ना 8 नंबर की मशीन लगेगी, 8 नंबर वाला साइज़ की कटेगी दाढ़ी. अच्छा और उसको बताना पड़ेगा कि मूछें ना उसी के साथ एडजस्ट करनी है, मतलब उतना ही साइज़ मूछों का भी होगा, बड़ी नहीं छोड़नी. क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ लोग ना मूछें काटते ही नहीं है भाई, वो बग़ैर इजाज़त के. दाढ़ी काट देगा वो बग़ैर इजाज़त के, मूछों पर हाथ नहीं लगाएगा आपके हेयर ड्रेसर. मतलब पता नहीं लोग गुस्सा हो जाते होंगे क्या. तो मूछें रखने का शायद हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है पता नहीं. तो वो मूछों ना मूछों का उसको बकायदा वो 2 बार पूछता है, क्या काट दूँ. मैं कहा हाँ काट दो, काट दूँ. तो फिर जाके उसकी हिम्मत होती है कि अच्छा आप काट देते हो. तो ये पूरा एक अच्छा फिर मुझे ये बीच वाला जो ये हिस्सा है दाढ़ी का इसको मैं बताता हूँ. इसको आमतौर पर लोग वी बना देते हैं, तो वो वी बना देता है उसको. मैं कहता हूँ नहीं भाई इसको सीधा रखना है, पिलर की तरह रखना है, स्क्वायर स्ट्रेट. ठीक है थोड़ा अरबी वैसे काटते हैं, थोड़ा अरब स्टाइल रखना है इस पर. अच्छा तो ये पूरी देख रहे हो पूरी इंस्ट्रक्शन है ये. अच्छा अब मसला ये है कि हेयर ड्रेसर के पास तो मुझे यही करना है जाके, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. एक शायद ऑप्शन कहीं हो सकता है मे बी कि मैं ना इस कटिंग का कोई नाम रख दूँ, इस जो मैंने पूरा ये बताया इस कटिंग का मैं कोई नाम रख दूँ कि भाई मलिक हेयर कट मे बी. आईडी दे दूँ इसको मैं, एक आइडेंटिफिकेशन. अच्छा और एक दफ़ा मैं क्या करूँ, हेयर ड्रेसर को जाके पूरा समझा दूँ कि यार ऐसे ऐसे होता है मलिक हेयर कट की ना ये स्पेसिफिकेशन है. अगली दफ़ा जब मैं जाऊँ मैं उसको बोलूँ यार मलिक हेयर कट काट दो तो मेरा मसला. ऐसा हुआ नहीं है, हो नहीं पाया आज तक. ठीक है ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि एक तो मैं जिस हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ ना वो चला जाता है वो. ठीक है एक मेरा बड़ा अच्छा हेयर ड्रेसर था, वो बांग्लादेश का था बेचारा, पता नहीं उसको बंगाल जाने का बहुत शौक था. तो वो मैं जब भी जाता था ना उसके पास तो वो मुझे बताता था यार वैसा है वहाँ पे, वैसा है वहाँ पे, वैसा है. वो 2-3 बार जा भी चुका था विजिट. तो वो क्या हुआ, वो अल्टीमेटली फिर मूव ही कर गया, यहाँ से शिफ्ट ही हो गया वहाँ पे. मैंने कहा चल भाई ये गया. तो मैं जिस हेयर ड्रेसर के पास भी जाता हूँ या तो उसकी तरक्की हो जाती है, वो किसी अच्छे एरिया में दुकान खोल लेता है, या तो वो नाई का काम ही छोड़ देता है. तो कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ ना, वो दुकान उसकी बंद हो जाती है. तो वैसे ज़्यादातर यही हुआ है कि लोग दूसरे कंट्रीज़ चले गए अपना बिजनेस. एक दुबई चला गया भाई, दुबई में उसको कहीं किसी से ऑफ़र कर दी, अकामा दे दिया, 2 साल का अकामा फ्री में दे दिया उसको किसी ने, वो चला गया वो वायर. अब हम क्या करें इधर,
या तो मैं भी उसके साथ साथ दुबई जाऊँ जो कि पॉसिबल नहीं है आप लोगों को कौन पढ़ाएगा फिर, मैं चला गया तो। अच्छा तो वो हेयर ड्रेसर ना मेरे एक को तो मैं चलो बता भी दूँगा, मलिक हेयर कट। अक्सर ये होता है कि हर दो तीन महीने पे हेयर ड्रेसर हो जाता है चेंज, ठीक है। अभी भी चेंज होगा, अभी भी। इससे पहले मैं जिसके पास गया था मैं उसके पास नहीं जा सकता, उसके कुछ रीज़न है, मैं नहीं जा सकता, उसकी दुकान है अभी भी वहीं तो अब मुझे कोई हेयर ड्रेसर चाहिए। वेल खैर, तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर ना ये मसला सॉल्व है। प्रोग्रामिंग के अंदर ना ये जो है ना, ये पूरा जो फंक्शन लिखा हुआ है ये वही इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? ये वही इंस्ट्रक्शन है ये, और इस इंस्ट्रक्शन का एक नाम है डू सम। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन अभी जस्ट लिखी हुई है, अभी बाल कटे नहीं है, अभी जस्ट ये बताया गया है। बाल कब कटेंगे? जब मैं बोलूँगा ना डू सम और कॉल सिग्नेचर लगाऊंगा। कॉल सिग्नेचर मतलब पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, दिस इज कॉल्ड कॉल सिग्नेचर। और कॉल सिग्नेचर के बीच में मैं उसके पैरामीटर्स दूंगा अगर कोई है। बाय द वे ये पैरामीटर लेना ऑप्शनल होता है, बाय द वे अब नहीं भी लूंगा तो चलेगा, ठीक है। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसको पूरा सिंटैक्स दोबारा समझते हैं और फिर हम ऐसा ना कुछ चला के देखते हैं। देखो फंक्शन का कीवर्ड आसान है, मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद फंक्शन का नाम कुछ भी नाम हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट लेना ऑप्शनल है, मैं ना भी लूँ तो खैर है, फिर जाहिर है जब आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं होगा तो कॉल करते हुए भी नहीं दूंगा मैं आर्ग्यूमेंट। अच्छा अभी दो है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 3, 4, 5, 200 भी आर्ग्यूमेंट्स मैं ले सकता हूँ। उसके बाद फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू है, फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। इस बॉडी के बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टर किया जा रहा है, ये सिर्फ याद करवाया जा रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आपको करनी है कटिंग। अच्छा अगर मैं इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल ना करूं तो ये कभी भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन कभी भी नहीं चलेगा, इसके अंदर जो बात लिखी हुई है, जो कोड लिखा हुआ है, वो कभी भी नहीं चलेगा। अच्छा अगर मैं एक दफ़ा कॉल करूं तो एक दफ़ा चलेगा, दो दफ़ा कर दूं तो दो दफ़ा चलेगा, 200 दफ़ा करूं तो 200 दफ़ा चलेगा, ठीक हो गया। अच्छा एक तो मैंने अब हेयर कट की मिसाल दी तुम्हें, अब एक थोड़ी रियल लाइफ वाली एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वही वेदर का डेटा जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेरे पास वेदर का डेटा है, मेरे पास 24 इंडेक्सेस का एक एरे है, 24 इंडेक्सेस का एक एरे है मेरे पास। अब उस एरे का मुझे क्या निकालना है? परसेंटाइल निकालना है, एक ख़ास किस्म की चीज़ होती है परसेंटाइल, वो मैंने निकालना है, या चलो परसेंटेज निकालना है, सिंपल ही है, ठीक है। या मुझे उसका एवरेज निकालना है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं जो उस एरे पे परफॉर्म करने मुझे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ भी उसके साथ ऑपरेशन करना है, मैंने उसका मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, कुछ भी ऐसा करना है। अच्छा तो चलो एवरेज का लिखते हैं फंक्शन, इसको मैं रोक देता हूँ यहीं पे, और इसके नीचे एक और इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, और इसमें अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम क्या होगा? फाइंड AVG शॉर्ट लिख दूँ, पूरा एवरेज भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें मुझे आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए? एक अदद एरे, मैंने कहा ARR मुझे चाहिए, एक अदद कोई भी मैं नाम रख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी का नाम होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट भी जो होता है मेरी मर्ज़ी का नाम होता है, जो रखूँगा वही नीचे मिल रहा होगा फिर मुझे। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा इसको? एक अदद एरे दे दूंगा, मैंने कहा 32, 45, पता नहीं डिफरेंट बहुत सारे नंबर दे दिए, ठीक है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या नंबर्स दिए। फाइंड एवरेज को मैंने ये सारे नंबर दे दिए। अच्छा अब ये जब एरे मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैंने क्या करना है, इसका एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? बताओ, पहले मैं इसका सम करूँगा, सम कैसे करूँगा? लूप चला के करूँगा। तो मैंने कहा भाई ARR.map, ठीक है, मैप से भी लूप चला सकता हूँ, फॉर लूप से भी, दैट्स ओके। अच्छा अभी इस केस में मैप मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक तो मुझे एरे पे आइटरेट करना है, दूसरा मुझे आखिर तक आइटरेट करना है, बीच में रोकने का तो सीन ही नहीं है ना यार, क्योंकि सबको सम करना है मुझे, बीच में रोकने वाला सीन, तो मैप चला लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैप में मैंने कहा कि यार ईच आइटम मुझे मिला करेगा, ठीक है, और मुझे अच्छा ईच आइटम पे मैंने गोल ब्रैकेट नहीं बनाया, अच्छा ईच आइटम मुझे मिला करेगा, और ईच आइटम क्या होगा? एक नंबर होगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सम इक्वल्स, शुरू में 0 रखता हूँ सम को, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एक करके उसमें ये ऐड करता चला जाऊँगा सारा। मैंने कहा भाई सम
सम इक्वल्स टू सम प्लस ईच आइटम। तो क्या होगा, ये जब लूप पूरा चल के ख़त्म होगा तो सम के अंदर क्या मौजूद होगा, उस पूरे एरे का सम मौजूद होगा, क्योंकि मैं हर आइटम पे जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सम को प्लस करो इस आइटम के साथ और वापस सम में रखवा दो। तो जब ये लूप ख़त्म होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरे पास सम में क्या मौजूद होगा, पूरा का पूरा सम मौजूद होगा उस एरे का। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अगला काम डिवाइड करना है इसको ए आर आर डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा लेट ए वी जी इक्वल्स टू दिस, ये ए वी जी मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा रिटर्न ए वी जी, ठीक है। ये पूरी रेसिपी थी एवरेज निकालने की, और आखिर में एवरेज निकाल के मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। तो अब क्या होगा, ये फाइंड एवरेज में जहाँ पे कॉल करूँगा, ये पूरा इतना जो कोड लिखा हुआ है मैंने, सही है, ये खुद गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वो एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक दफ़ा और कॉल कर दूँ और थोड़े डिफरेंट नंबर्स दे दूँ इस बार, अब थोड़े डिफरेंट नंबर्स दिए मैंने, तो क्या होगा, अभी भी सही है ये वाला जो जब चलेगा तो इसकी रिटर्न वैल्यू इसके वैल्यू इसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आएगी, इसकी जो है इसके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आएगी, क्योंकि नंबर डिफरेंट है तो ज़ाहिर है रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा। तो चला के देखते हैं, कॉपी बात रिफ्रेश, देखो दो बार मैंने कॉल किया था ना, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ गया। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए आप जाके खुद से कैलकुलेटर से अलग से निकाल के देखेंगे तो भी यही आंसर आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है। फंक्शन कुछ समझ आना शुरू हुआ कि फंक्शन कैसे चल रहा है, क्या चक्कर है फंक्शन का? अच्छा, फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं? फंक्शन बहुत ज़रूरी टॉपिक है, फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवन दो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम फॉलो होता है ना, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक ऐसे पैराडाइम को कहते हैं जिसमें हर चीज़ फंक्शन होती है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम और कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, प्रोसीजरल है, इम्पेरेटिव है, बहुत सारे हैं इस तरह, ठीक है। तो ज़्यादा जो बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें भी हो जाता है, मना नहीं किया मैंने, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी है, जो जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, वो ज़्यादातर फंक्शनल प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। जैसे कि रिएक्ट एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है यूआई बनाने के लिए फ्रंट एंड का, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पर है। एक्सप्रेस जेएस सर्वर लिखने का एक बड़ा मशहूर फ्रेमवर्क है, वो भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कम्युनिटीज पे चल रही है ना, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से बड़ा प्यार है उनको। रिएक्ट पहले जब शुरू शुरू में आई थी तो वो क्लास उसमें होती थी, क्लासेस वगैरह, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तरीके पे बना हुआ था, क्योंकि रिएक्ट तो फेसबुक ने अपने लिए बनाई थी ना, ये तो बाद में पब्लिक हुआ। तो जब रिएक्ट बनाई थी ना फेसबुक वालों ने अपने लिए, तो वहाँ पे तो थे बॉस, होगा ना कोई बॉस, बॉस ने बोला ये किस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन गई। अच्छा, फिर जब बॉस ने बोला ना कि अब इसको ओपन सोर्स कर दो, तो फिर कम्युनिटी ने बोला कि बॉस अब आपकी यानी चलेगी, अब वापस आ जाओ लौट के बुद्धू घर को आ जाओ, क्योंकि कंपनी में तो बॉस होता है ना, जो बॉस बोलेगा वही होगा। अब एम्प्लॉय की बात गधे की लात है, बॉस की बात सही है। बॉस ने बोल दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बन गया, अब कम्युनिटी ने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कर रहे हो ख़त्म कि हम खुद कर दें, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम कर रहे हैं। तो अब वो क्या हो गया, दोबारा से वापस फंक्शनल कंपोनेंट्स पे वो आ चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जो कम्युनिटी ना, उसको बड़ा प्यार है फंक्शनल प्रोग्रामिंग से, बड़ा प्यार है उसको, बड़ा अच्छा लगता है जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी को ना, कि हर चीज़ फंक्शनल कंपोनेंट हो और इस तरह करके। तो इस वजह से फंक्शन बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ना, तो फंक्शन को बड़े गौर से समझिएगा। इसमें कोई सवाल अगर हो तो आप इस सेशन के आखिर में पूछ सकते हैं। फंक्शन के दो बेनिफिट्स, बड़े बेनिफिट्स वैसे तो और भी हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। नंबर एक, फंक्शन जो है ना वो ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्सिंग कर देता है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड कर देता है। अब देखो, मैंने एक बार फंक्शन बना दिया ना, अब मैं इस कंसोल डॉट लॉग करूँगा और बिला झिझक जो है ना इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। मैंने कहा फाइंड ए वी जी, सही है, और मैंने कहा अब इसको क्या दे दो,
इसको आप 3.5.1.2 ये चार नंबर दे दो। अब मुझे नहीं इस चीज़ से लेना देना कि ये फाइंड एवरेज पीछे क्या कर रहे हैं, वो मैंने एक बार सोच के लिख दिया ना, दोबारा मैं क्यों उस पर दिमाग लगाऊँ। ठीक है, तो अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन आप लिख रहे हो, अभी वो थोड़ी देर में हम देख भी लेंगे कि वो फंक्शन आप नहीं लिख रहे होंगे असल में, वो फंक्शन लिख रहा होगा कोई और मोस्ट ऑफ द टाइम। अब वो आप सोच रहे होंगे यार कोड तो मैं लिख रहा हूँ, फंक्शन कोई और कैसे लिखेगा, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। या इमेजिन करें कि टीम में दो चार लोग हैं, एक बंदा फंक्शन बना रहा है, दूसरा उसको यूज़ कर रहा है, तो एक ने जो बना दिया ना दिमाग लगा के सोच समझ के, तो दूसरे को ये देखने की ज़रूरत नहीं कि हो कैसे रहेंगे, उसको वो कॉल करेगा। जैसे कोई मुश्किल किस्म की मैथ भी होती है ना बहुत सारी, कि भाई ये एक कौन सी मुश्किल सी मैथ होती है वो, नहीं वो एक एरे देते हैं उसका वो पता नहीं क्या निकालते हैं, नहीं नहीं मैट्रिक्सेस नहीं, इसी तरह का होता है कोई लीनियर इंटीग्रेशन पता नहीं इस तरह का होता है कुछ, नहीं यार असल में वो मैं बिल्कुल अभी मेरे जहन से निकल गया, वो एरे देते हैं उसको और उसका ना वो कैलकुलेट करता है, पता नहीं क्या कैलकुलेट करता है वो, मैं एक डैशबोर्ड बना रहा था रिसेंटली ना, तो उसने मुझे बोला ना कि यार ये डैशबोर्ड पे ना ये चीज़ डिस्प्ले होगी, मैंने कहा भाई ये क्या होता है, सेट्स नहीं कुछ रिग्रेशन विग्रेशन करके कुछ लीनियर रिग्रेशन है ना, वो एक एरे देते हैं उसका वो लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट करके देता है, पता नहीं इस तरह का कुछ था, वो दो तीन थे बहरहाल, एक नहीं था वो दो तीन थे, मैंने कहा यार अब बस इसकी स्पेलिंग लिख दो मैथ वैथ नहीं आती भाई अपने को, मैथ वैथ नहीं आती, जीरो मैथ में, ठीक है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बस, और डिवाइड भी कॉपी में नहीं कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कॉपी में मैं, तो मल्टीप्लाई होना है ना 10x जाना है अभी 100x जाना है जहाँ पे भी खड़े हैं। प्रोग्रामिंग का मैथ से क्या लेना देना भाई, नहीं नहीं प्रोग्रामिंग का मैथ से क्या लेना, जो 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 फ्रेमवर्क बना रहे हैं ना उनको लेना देना है मैथ से, हमारा थोड़ी है, हम तो कॉल कर रहे हैं, हम तो यूज़ कर रहे हैं, हम उसको यूज़ करते हुए ऐसी ऐप्स बना रहे हैं जो एंड यूज़र उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो मैथ का अपना दूर दूर तक कोई ऐसे दोस्ती आ रही नहीं है अच्छा ऐसा नहीं है कि मैथ मुझे पसंद नहीं है, असल में शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे मैथ पढ़ाने वाले लोग ना इतने अच्छे मिले नहीं ज़िंदगी में, हाँ क्योंकि मैंने खुद से जो सीखी है ना मैथ वो मुझे बहुत अच्छी आती है और मुझे अच्छी भी लगती है वो। ठीक है, कुछ एक दो सीखे थे भी मैं उसका भी नाम भूल गया हूँ भाई दादा, लेकिन वो मुझे आती है, खुद से देखा मैंने अच्छा यार ये यहाँ यू, क्योंकि मेरा हमेशा सवाल ये होता है कोई भी चीज़ मैं पढ़ता हूँ ना पूछता यार ये होगा क्या इससे, अब इससे होगा क्या, तो वो मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया मैंने कहा छोड़ दो जो समझ आ रहा है वो करो, अभी जो कहते हैं ना क्वेश्चन में जब आपके हाथ में पेपर है तो जो समझ आ रहा है पहले वो सवाल करो जो समझ आ रहा है, तो हमने फिर हमने बोला जो जो सब्जेक्ट समझ आ रहा है पहले वो पढ़ लो, जो नहीं समझ आ रहा उसको देख लेंगे बाद में तो हाँ अब वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है थोड़ी थोड़ी मैथ ना, अब मैं सीखता, जैसे भाई अब क्लाइंट आया उसने बोला भाई लीनियर रिग्रेशन ऐसे करके निकलेगी, एक आपके पास सेंसर का डेटा आ रहा होगा, सेंसर के डेटा का ना उसने बोला कि अच्छा एक चार पांच थे मेरे नाम हम भूल गए उसका, एवरेज भी ना एवरेज आपको पता है 16 तरह के अलग अलग एवरेज होते हैं, ये तो एवरेज निकाला है ना मैंने, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा है तुम लोगों ने किसी ने, हाँ डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं ना अलग अलग, उसके एवरेज निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो कोई 15 अलग अलग तरीके से एवरेज निकाला जा सकता है, तो वो मुझे पता ही नहीं था, तो क्लाइंट आया उसने बोला यार ये आपको क्या करना है जो डेटा आएगा ना उसका एवरेज दिखाना है, तो मैंने ये वाला एवरेज निकाल के लगा दिया, उसने कहा यार ये तो गलत आ रहा है, टेस्ट किया ना उसने, टेक्निकल बंदा था टेस्ट किया, उसने कहा ये तो गलत आ रहा है, मैंने कहा कैसे गलत आ रहा है, कह रहा है ये आपने ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक नहीं किया कि कौन सा है, आपने सबको एक ही पे रगड़ दिया, तो मैंने कहा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज़ होती है तो मैंने जल्दी से गूगल किया तो उसको पता चला कि भाई 15 अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं डेटा की ना, भाई ऑब्वियस बात है ना कि अगर क्लास में क्या कहते हैं सारे बच्चे हैं, अब मार्क्स स्कोर आते हैं ना एवरेज निकालते हैं कि ऑन एवरेज इस क्लास में बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं, अब कुछ जो बच्चे थे ना चार बच्चे उन्होंने पूरे 100 मारे हुए थे, ठीक है, और उसके अलावा जितने थे ना सारे 40 से नीचे, सारे 40 से नीचे यानी पासिंग मार्क, अब इस क्लास का जब एवरेज निकलेगा 50 बच्चों में 400 वाले और बाकी सारी 40 से नीचे हैं, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा,
50 से ऊपर नहीं जा सकता मेरे हिसाब से, नीचे नीचे ही होगा 50 से। तो ये तो डेटा गलत हो ना फिर, तो ये तो एवरेज सही नहीं निकला, तो गलत निकला कि ऑन एवरेज बच्चे इसमें 40 मार्क्स ला रहे हैं। वैसे तो ये निकल गया एवरेज, लेकिन इस एवरेज का मैं करूँ क्या, इससे तो वो फैक्ट से तो बहुत दूर आ गया ना ये। तो अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 15-16 पता नहीं अलग अलग, तो उसके सबका ना फॉर्मूला अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है कि ये भाई है कौन सा वाला, तो उसके हिसाब से फिर निकलता है। या इमेजिन करो एक दूसरा फैक्टर ये है कि भाई बच्चे जितने भी हैं ना सारे सबके 90 अबव हैं, लेकिन चार बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल 10-12 मार्क्स पे खड़े हैं, ठीक है। असूलन इस क्लास का जो एवरेज है वो आना चाहिए 90 अबव ही आना चाहिए ना, क्यों सब 90 अबव हैं, लेकिन चार ऐसे लोग थे जो बिल्कुल 10-12 पे खड़े हुए थे। तो वो चार बंदे क्या करेंगे, वो सबका एवरेज ना, सबका एवरेज वो खींच के वो 70-60 तक लेकर आ जाएंगे चार बंदे। तो ये डेटा तो रॉन्ग हो गया ना। तो इस तरह के ना 15 डिस्ट्रीब्यूशन है, गूगल करना अलग से। तो ये छोटी छोटी मैथ्स जो वो मैंने सीखी है खुद से, तो वो मुझे बहुत अच्छी आती है, और जो अभी मज़ीद सीख रहा हूँ मैं ना, सीखता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा आता है। लेकिन टीचर ना सिखा सके भाई, लेकिन हो सकता है मेरी गलती हो, शायद हो सकता है आई वॉज सपोज टू लर्न लाइक दैट एंड देन इम्प्लीमेंटेड लाइक दैट। वेल, तो चलो ये तो एक अलग से बात हो गई। तो बता ये रहा था मैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये फंक्शन ना ये आप नहीं लिखोगे, ये लिखेगा कोई और, आप इसको करेंगे जस्ट यूज़। और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन पीछे कर क्या रहा है और कैसे कर रहा है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कर रहा है बस, उसको आपने लीनियर रिग्रेशन ले रहे हैं ना, आपने 10 नंबर का एक एरे दिया, वो करेगा कुछ ना कुछ, खुद ही आपको रिजल्ट दे देगा, बस खत्म बात। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देता है, इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्सिंग। फंक्शन इज़ अ ब्लैक बॉक्स। एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट आ जाता है, बीच में क्या हो रहा है ना आपको पता चलता है, ना आपको पता लगाने की ज़रूरत है। अगर ओपन सोर्स है तो ज़ाहिर आप जाके कोड देख लोगे, अगर वो आपके कोड में दिख रहा है सामने तो आप पढ़ लोगे कोड, लेकिन आमतौर पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो नंबर एक ही हमने देखा कि ब्लैक बॉक्सिंग होती है फंक्शन के ज़रिए, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है। नंबर दो, रीयूजबिलिटी बढ़ जाती है कोड की। रीयूजबिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि देखो, अब जैसे मैं एवरेज मैंने निकाला ना, अब एवरेज के 15 अलग अलग फंक्शन है, 15 अलग अलग तरीके से निकलता है एवरेज, तो 15 फंक्शन है अलग अलग। मसला ये है कि मुझे कहीं पे कहाँ पे कौन सा वाला एवरेज निकालना है, कहीं पे कौन सा वाला निकालना है, तो ये तो मेरे 12 बच जाएंगे। ये अगर कोड में सब जगह अलग अलग लिखने लग गया हाथ से, तो मेरा तो हो गया काम, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, फिर मैं यही लिखता रहूँगा, फिर मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग में कर नहीं, वो ऐप कंप्लीट नहीं होगी फिर कभी, अगर मैं ये अलग से लिखने लग गया तो। ठीक है, एक तो 15 फंक्शन है, ऊपर से 200 पेजेस की एप्लीकेशन है, 200 तरह के अलग अलग डैशबोर्ड्स हैं उसके अंदर, उस ऐप के अंदर, इमेजिन कर रहे हैं। एक में आ रहा है वो बॉयलर से डेटा आ रहा है, जो होता है ना फैक्ट्रीज में एक बॉयलर लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो बॉयलर्स होते हैं, चिलर्स होते हैं, उसमें सेंसर लगा हुआ है, वहाँ से डेटा आ रहा है, सही हो गया, वहाँ से डेटा जो आ रहा है, तो वो पिछले 24 आवर का डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाना है, और जो डेटा आ रहा है उसको डिटेक्ट करना है, हर सेकंड ये डिटेक्ट होगा कि अभी ये डेटा कौन से वाले पे आ गया है एवरेज पे, और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसका एवरेज भी दिखाना है। अच्छा, ये एवरेज है जो 15 मुख्तलिफ तरह से निकाला जा सकता है, फिर उसके अलावा वो लीनियर रिग्रेशन विग्रेशन KPI API बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक डैशबोर्ड पे मॉनिटर कर रहा होगा कि यार मेरा चिलर अभी किस वक्त कौन से पोजीशन पे है, सब कुछ ओके है कि नहीं है, फिर ओके की और नॉट ओके की कलर कोडिंग भी है कि वो ग्राफ जो है वो ग्रीन होना चाहिए या रेड होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। अब यहाँ पे ये तो एक पेज है ना, अब एक दूसरा पेज है जहाँ पे जो जितनी भी मशीनें चलती हैं, मैकेनिकल मशीनें, उसके अंदर जो इंजन ऑयल है उसमें से सेंसर का डेटा आ रहा है कि वो टेम्परेचर उसका क्या है, उसका हायर अपर मैक्स और लोअर जो लो है जो भी होता है, कि ऊपर और नीचे की जो लिमिट है वो भी उधर सेट है, वो अलग, पूरा डैशबोर्ड अलग है, वो एक दूसरा पेज है, वहाँ भी एवरेज निकल रहा है, सेम चीज़ का एवरेज वहाँ पे भी निकलेगा, क्योंकि वो भी टेम्परेचर है ना, बाई टाइम वो टेम्परेचर आता जा रहा है मेरे पास, उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आप करने नहीं लगे इस कोर्स में, ठीक है, ये तो चैटबॉट का कोर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फिर, कि मुझे कोड ऐसा चाहिए होता है जो रीयूजेबल हो, एक ही दफ़ा मैं कोड लिखूँ और हर जगह उसको इस्तेमाल करूँ, और मुझे बाद में पता चला कि मैंने जो 15 मैंने अलग अलग लिखे थे ना तरीके एवरेज निकालने के, उसमें नंबर 13 वाला जो था ना, उसमें मैंने एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, वो 13 वाला मैंने कहाँ कहाँ लगा दिया होगा, मैं सब जगह ढूंढता थोड़ी फिरूंगा, मैं एक जगह पे जहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन है मैं वहाँ पे चेंज करूँगा, बाकी सारी जगहों पे तो जस्ट वो कॉल हो रहा है ना,
तो मुझे एक जगह पे चेंज करूँगा मैं, सब जगह पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि फंक्शन बनाया हुआ मैंने। तो नंबर एक हमने देखा कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है, नंबर दो रीयूजेबल हो जाता है कोड, और कोड में कोई गलती है मॉडिफाई करेंगे सब जगह ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको अलग अलग जगह पे जाके नहीं करना पड़ेगा। तो ये दो बड़े फायदे हैं फंक्शन के, जिसकी वजह से फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इवन दो कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर रहे होते हो तो उसमें भी फंक्शन आते हैं, उसमें भी फंक्शन से जान नहीं छूटती आपकी। अच्छा, तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसको तीन अलग अलग जगहों पे तीन अलग अलग वैल्यूज़ के साथ कॉल किया और उसने अकॉर्डिंगली उसके मुझे आंसर दे दिया। अच्छा, अब इस फंक्शन में ना अभी तो बहुत छोटा सा ये रेसिपी है, ये एल्गोरिथम बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है। एक तो ही ना एवरेज वगैरह ये जेनेरिक किस्म की चीज़ें हैं, कोई बहुत लंबा किस्म का फार्मूला भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक मैंने एक सेल्स फनल पे काम कर रहा था ना, उसके अंदर ना उनका एक फार्मूला था। सेल्स फनल समझते हो? सेल्स फनल ये होता है कि जैसे मार्केटिंग होती है ना, तो लोग आते हैं वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे या जिस किसी पे भी लोग आते हैं, जो फूड प्रिंट आता है, उस फूड प्रिंट में से कितने लोग पैसे पे कर देते हैं, ये इस दौरान का जो सफ़र होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड सेल्स फनल। अब जाहिर है अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख लोग अगर आपकी वेबसाइट पे फूड प्रिंट आया, तो कुछ लोग तो आते ही बाउंस हो जाएंगे, वो देखेंगे बोल के मैं ऐसे ही दिखा रहा है, कुछ लोग उसको स्क्रॉल करके नीचे तक देखेंगे। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में यानी फनल, यानी उसको कहते हैं है ना, मैट्रिक में देखा तो कीप की तरह होता है फनल, गूगल पे लिख के देखना फनल कैसा होता है, वो कीप की तरह होता है। तो फिर कुछ लोग मेन्यू को देखेंगे और उसको अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके हो सकता है उसको ऐड टू कार्ट तक चले जाए वो, ठीक है, ऐड टू कार्ट करके फिर वो बाउंस कर जाए कुछ हो जाए। तो अच्छा, फिर कुछ बंदे होंगे ऐड टू कार्ट करके पेमेंट के पेज तक जाके क्रेडिट कार्ड नंबर लिख के वो छोड़ देंगे, और कुछ होंगे वो पे कर देंगे। तो ये क्वांटिटी ना कम होती जाती है, फूड प्रिंट 10 लाख, उसके नीचे 5 लाख, उसके नीचे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो वो एक उनका कोई फार्मूला बना हुआ था पहले से ही, कि अगर कोई बंदा फला रीजन में रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, उन्होंने कोई पता नहीं कैसे बनाया हुआ था, तो उस बंदे के ना चांसेस हैं कि वो फला प्रोडक्ट ले लेगा। ठीक है, तो वो जैसे ही बंदा आता है उसके ऊपर, तो हम क्या करते थे कि वो सारे फैक्टर्स देख के कि उसकी ट्रैफिक, और उसको एक सर्टन प्रोडक्ट सजेस्ट करते थे। समझ रहे हो ये बात? तो अब ये जो फार्मूला जो लग रहा है ना कि फला डेटाबेस से उठा के ये लो, फला डेटाबेस से, अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है पता नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसका ये जो एल्गोरिथम होगा ना, ये बहुत लंबा चौड़ा होगा, और उस एल्गोरिथम में ऑफकोर्स बाद में आपको फील होगा कि ये गलत हो गया, तो आप थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे उसको जाके। तो ये एल्गोरिथम बहुत लंबा भी हो सकता है, अभी तक बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एल्गोरिथम बाय द वे पता है किस चीज़ को कहते हैं? मैट्रिक में पढ़ते होगे ना एल्गोरिथम, क्या होते हैं एल्गोरिथम, क्या चीज़ का स्टेप? उसमें नहीं, उसमें तो वो 10 होते हैं ना, 1 से लेकर 12 तक वो बच्चे याद कर लेते हैं। याद किया कभी तुम लोगों ने एल्गोरिथम? हैं, अच्छा वो थ्योरी, वो दूसरी चीज़ है। अच्छा, मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ शायद। वेल, तो एल्गोरिथम जो है ना, किसी भी स्टेप बाय स्टेप करने वाली चीज़ को आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी जैसे एवरेज निकालने का एक फार्मूला है ना, वो आपको पता है कि भाई पहले सम करो और फिर वो टोटल नंबर से उसको डिवाइड मार दो। तो ये जो रेसिपी है ना, ये जो रेसिपी है फार्मूला कैलकुलेट करने की, ये जो बंदा जब यानी फार्मूला ये बना रहा होगा, उसको अब उसको ये नहीं पता कि वो बना क्या रहा है, तो वो कहता है कि मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में उस एल्गोरिथम को वो एक नाम दे देता है, क्या नाम दे देता है? एवरेज का फार्मूला। ठीक है, बाद में, या मिसाल के तौर पर इमेजिन करो कोई बंदा कोई डिश बना रहा है। ठीक है, ऐसे कभी कभी पता नहीं तुम लोगों के साथ होता है, रात को उठ के ना अचानक दिल करता है कि यार कुछ अलग बनाते हैं आज। तो अंडे को अंडा पड़ा हुआ है, कुछ साथ में चीज़ वीज़ कुछ जो भी है सामने, उन सबको मिक्स करके ना कुछ अलग बनाते हैं। अब पीछे से आके किसी ने पूछा यार क्या बन रहा है, अब उस डिश का कोई नाम तो है नहीं, क्या बताया तुम, तो हम कहेंगे कि देखते हैं क्या बनता है। अभी फ़िलहाल ये क्या है, अभी एल्गोरिथम कुछ बना रहा हूँ मैं, कुछ डिश तैयार हो रही है कुछ। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ये अभी शेफ है ना, ये जो कुछ बना रहा है उसको खुद भी नहीं पता वो क्या बना रहा है। तो इसी तरह मैथमेटिशियन जब रात को उठता है ना, वो सोचता है यार कुछ बनाऊँ मैं, तो वो कहता है मैं एल्गोरिथम बना रहा हूँ, फिर बाद में उसको कोई ना कोई नाम दे देता है। ठीक है, अब बहुत मशहूर बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो आपको मैथ की क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, हर का सबका एक नाम है। सही है, सबका एक नाम है,
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी भी बने, उनको कोई नाम अभी तक रखा नहीं है, तो उनको हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो ये भी जो मैं बना रहा हूँ ना कि भाई सेल्स फनल में कौन सा वाला बंदा कैसे वो करेगा, जो भी बना रहा हूँ मैं, तो ये मेरा एक एल्गोरिथम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी जो जैसे ऊबर वाले हैं, इन्होंने अभी एक वाइट पेपर लिखा था, इनका एक एल्गोरिथम था ग्रे बॉल एल्गोरिथम। वो क्या करता था, आपको पता है जब ऊबर किसी भी कंट्री में लॉन्च होती थी तो वो बैन हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है टैक्सी सिस्टम है, सऊदी में, दुबई में, ये अरब कंट्रीज़ में, तो टैक्सी बहुत महंगी है और टैक्सी से बहुत इनको प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को भी और टैक्सी की कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक के ऐसा है कि अगर आप बस यहाँ से बैठेंगे ना और आप अगले स्टॉप पे जाके उतर जाएंगे तो भी आपका वो अच्छा खासा बिल बना देते हैं, और रियाल बढ़ते हैं, टक 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 बढ़ते चले जाते हैं, वो पर मिनट के हिसाब से बिलिंग करते हैं, पता नहीं क्या मीटर है उनका, बहुत तेज़ चलता है। तो वो उन्होंने बोला यार ये क्या बकवास है, ये तो पहले ही बता दे रहा है कि इतने पैसे होंगे और उससे ज़्यादा होंगे ही नहीं। और वो फिर हर बंदे के पास ऐप है तो वो फ़ोन कौन करेगा हमें, तो मोनोपोली भी ख़त्म हो रही थी इनकी कहीं ना कहीं। मैं बोला यार हम 200 टैक्सियाँ लेके बैठे हैं यहाँ पे, BMW का फ्लीट रखा हुआ है इसने के, और वो न्यू ब्रांड न्यू अभी वाले मॉडल की BMW के फ्लीट तैयार की हुई है, और फ़ोन आता है, वो जाते हैं बंदे। हमारे यहाँ था मोनोपोली, ये मेट्रो कैब जो था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, एक क्रोला घूमती थी, एक टोयोटा क्रोला, उस पर कैब लिखा हुआ था, मेट्रो कैब, और हाँ वाइट कलर की, वो एयरपोर्ट पे होते थे सिर्फ वो। तो वो एयरपोर्ट से घर आने के कितने चार्ज करते थे, बेस प्राइस थी 5,000, पता नहीं 4,000 होंगी बेस प्राइस। मैंने तो कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं किया, मैंने कहा भाड़ में जा दूँ मैं, यहाँ रक्षा करूँगा, रक्षा करके जाऊँगा यार, मतलब 4,000 बेस प्राइस। और ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब, अभी तो खैर अभी तो आपका डिवेल्यू हो गया ना पैसा, तो अभी 4-5,000 फील नहीं होता यार, 4-5,000 खैर है इतने तो होता ही है, लेकिन अभी भी बहुत है। आप अभी ऊबर करवाएंगे अगर, और आप ऊबर करवा के घर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1,000 का बिल बना देगा, ये भी बहुत है, ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, इससे भी कम ही बनेगा, 600-700 में निमट जाएंगे। मेरा लास्ट बना था 700 रुपये, तो वो ले रहा था 5,000-4,000 बेस प्राइस, उससे कम बात ही नहीं भाई। तो वो सब ख़त्म हो गया मोनोपोली, तो इनको बैन कर देते थे वो गवर्नमेंट को, उन्होंने बोला भाई ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, इसको बैन करो यार, ये देखो। तो वो कुछ वकील पकड़ के ना, कोई पॉलिसी खुरेद वुरेद के निकाल के, अच्छा यार ये वॉलेट हो रहा है वो, उन्होंने बोला चलो बैन, फिर बाद में ये अपना वकील करते थे, उसको केस लड़ते थे, फिर होते थे। तो ये इनके साथ ऑलमोस्ट हर कंट्री में हुआ, इवन के US में भी इनके साथ कुछ पॉलिटिकल इशूज़ हुए थे इस तरह के। इन्होंने एल्गोरिथम बनाया ग्रे वॉल, उन्होंने बोला जो यूज़र साइन अप होगा ना किसी भी सिटी में, जब हम लॉन्च करेंगे तो एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ था उन्होंने, वो क्या करता था, जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, जितनी पुलिस स्टेशन, FIA, साइबर वाइबर जो भी होते हैं ना गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट वगैरह, उन सबको ना पहले एक लिस्ट बना लेते थे बंदे बैठ के, कि यार इस शहर में ये बिल्डिंग्स हैं और ये जगहें हैं जो ऑफिसर्स की कॉलोनी है, आर्मी वार्मी की कॉलोनी है, पुलिस वालों की कॉलोनी है, उन सब की वो लिस्ट बना लेते थे। अब जब उन जगहों से बंदा कोई लॉगिन करता था ना, लोकेशन तो पता होती है उनको, लोकेशन का तो सारा गेम है उनका, उसको वो पूरी दूसरी ऐप दिखा देंगे। अच्छा उस वो दिखता था उसको कि ये गाड़ी घूम रही है या आ रही है गाड़ी, वो दबाता था तो उसको दिखता था, अच्छा फला मेरे पास यूसुफ नाम का एक बंदा है, उसकी गाड़ी का नंबर ये है, सिल्वर कलर की कल्टस है, वो आ रहा है। लेकिन होता हुआ था कुछ नहीं था, तो आ रहा है वो, ये इंतज़ार कर रहा है कि अभी आएगा तो मैं उसको धरूंगा, ठीक है। वो आते 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 वो कैंसिल, ग्लिच हो गया ऐप में, ऐप में ग्लिच हो गया भाई, खोला वो ख़त्म, सब कॉल किया सर आप वो दोबारा आपकी बुक कर देते हैं राइड, फिर उसने बुक किया, उसने कहा भाई वो बंदा हिल रहा ही नहीं है, उसको फ़ोन कर रहा है, बेल जा रही है, फ़ोन नहीं उठा रहा कोई, ठीक है। तो ये पूरा एल्गोरिथम का पार्ट था कि बेल भी जाती थी, कॉल भी जाती थी, सब होता था उसके अंदर, लेकिन वो पूरी दूसरी ऐप थी, उसमें तो गाड़ियाँ दिख रही होती थी ना घूमती हुई, वो गाड़ियाँ भी असली नहीं होती थी, क्या ना ऐप खोलो तो गाड़ी दिख जाती है, तो जल्दी से आप ड्राइव करके जाओ वहाँ जाके पकड़ लो, क्या भाई तू ऊबर चला रहा है, वो गाड़ियाँ भी असली नहीं होती थी, वो सारी रैंडमली जनरेट हुई भी होती थी। तो एक ग्रे बॉल एल्गोरिथम, तो ये क्या एल्गोरिथम था, इसका नाम उन्होंने रख दिया ग्रे बॉल एल्गोरिथम, मतलब इसका कोई नाम, एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो नहीं है ना, ये सर्टनली कोई और चीज़ है, इसमें पता नहीं क्या क्या फैक्टर देखते होंगे, उसको घोल मट्ठा करके खिचड़ी पका के ना एक करते होंगे कि अच्छा यार ये बंदा जो है ना गवर्नमेंट का ही है, सही है, क्या बोलते हैं उसको, रैट है ये, इसको नहीं आने दो अपने पास। तो एल्गोरिथम जो है किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं, तो ये हम फंक्शन आमतौर पर जो बना रहे होते हैं ये अपना खुद का एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा जैसा कि मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि ये फंक्शन आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुद नहीं बनाएंगे, तो ये क्या चक्कर है, इसको ज़रा मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। ये फंक्शन जो है, जैसे बुक्स होती है ना, बहुत सारी बुक्स आप एक जगह कर दो तो क्या कहते हो, लाइब्रेरी,
बुक्स की, बहुत सारे फंक्शन लिख के अगर एक जगह कर दिए जाएँ उसको भी लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी सुना होगा ना वर्ड कंप्यूटर साइंस में, तो जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, मैं फला लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उसका मतलब यही होता है। क्या मतलब है कि बहुत सारे फंक्शन लिख दिए गए हैं और लिख के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया उनको, दैट इज़ लाइब्रेरी। अच्छा, और बड़ी ऑब्वियस बात है, बड़ी ऑब्वियस बात है कि यार ये एवरेज जो मैं निकाल रहा हूँ, क्या मैं ज़िंदगी में पहला बंदा हूँ जो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ी है? पहला बंदा तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं पहला बंदा हूँ जिसको वो 15 अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलग अलग तरह की चीज़ें? नहीं। तो 15 फंक्शन बना के एक दफ़ा अगर रख दिया जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उसको यूज़ कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है ना, और ऑब्वियस बात है ये होना ही चाहिए कि पहले से बने हुए वो फंक्शन, वरना मैं ये सोचता रहूँगा कि लीनियर रिग्रेशन निकलेगा कैसे, तो मैं कोडिंग कब करूँगा फिर? मैथ तो मुझे आती है नहीं, वैसे भी किसी को भी नहीं आती, डेवलपर जितने सबको मैथ नहीं आती, कुछ को आती है, कुछ के साथ धोखा हुआ है। उनको लगता था कि कंप्यूटर साइंस में आएंगे ना तो मेरी मैथ बहुत मज़ा आएगा, मैथ करेंगे, वो भी सोचते हैं कि यार ये कब करेंगे हम मैथ। जैसे कुछ बंदे होते हैं ना वो ये सोच के चले जाते हैं आर्म फोर्सेस में कि यार गन वन चलाएंगे खूब दमादम। 20 साल की सर्विस में वो कहते हैं यार इसको मैं चलाऊंगा कब, तो ऐसे ही हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं तो। नहीं, आप किस पे चलाएंगे यार, पब्लिक पे चला देंगे क्या? नहीं आता लोगों की, जो इवन अमेरिकन फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ उनकी मूवीज़ बनी हुई है इस पर, पता नहीं एक फुल मेटल जैकेट है, पता नहीं क्या नाम है, वो अफगानिस्तान चले जाता है, वो कहता है यार मैं दबा के उधर ना मैंने फुल एकदम फायरिंग वायरिंग करनी है, तो वो पूरा फ्लीट होता है उनका, जवान लड़के होते हैं, जोशीले होते हैं सारे, वो अफगानिस्तान पोस्टिंग करा लेते हैं हम लोग, ये भाई फुल तालिबान मारेंगे हम और सब दमादम लगेगा। उनकी 9 महीने की पोस्टिंग में एक गोली नहीं चलाने का मौका मिलता, एक बंदा उनके सामने नहीं आता जिनको वो कुछ करें, वो पाइपलाइन होती है उसकी प्रोटेक्शन पे बैठे रहते हैं वह पूरा दिन पूरा रात पूरा ऐसे मोर्चा लगा के, स्नाइपर ऐसे ओढ़ के ना पूरा चादर वादर ऐसे चर्सियों की तरह बैठे हैं पूरे, पैम्पर वैम्पर पहन के, सूसू वूसू सब पैंट में कर रहे हैं कि अभी कोई बंदा आएगा मारेंगे। 9 महीने तक एक बंदा नहीं मारने को मिलता, तो वो जब उनकी फिर पोस्टिंग ख़त्म होती है ना तो उनके पास असला इतना होता है, ट्रकों का ट्रक भरा हुआ होता है, खूब हवाई फायरिंगें करते हैं, वो सारा ख़त्म करते हैं, दिन के टाइम पूरा गोलियां ही गोलियां पड़ी होती हैं ज़मीन के ऊपर। तो कुछ बंदों के साथ धोखा हुआ है, उनको लगता था प्रोग्रामिंग में मैथ ही मैथ है, अब वो बेचारे आगे सोचते हैं कि यार मैथ कहाँ गई हमारी सारी। तो फिर वो डेटा साइंस वगैरह की तरफ निकल जाते हैं, कोई दूसरे रस्तों पर निकल जाते हैं, है ना, होता है ना बंदा थोड़ा पहाड़ियों में निकल गए अभी वो। तो खैर, तो अब लाइब्रेरी बनी भी होती है जैसे मैथ की बहुत सारी। अच्छा, मैथ में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारे फंक्शन एक जगह कर दो, मैथ की लाइब्रेरी बन गई। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैथ की लाइब्रेरी है, दैट इज़ कॉल्ड मैथ डॉट जे एस, सही है, मैथ जे एस। जितनी भी मैथ तुम सोच सकते हो ना सबके फंक्शन इन्होंने पहले से बनाए हुए, मसले हल हो गए सारे। एवरेज कभी भी तुम्हें खुद नहीं बनाना, हमेशा तुम्हें बनावा मिलेगा। आ जाओ भाई, राउंड ऑफ करना है नंबर को, ये फंक्शन है उसका मैथ डॉट राउंड। लॉग निकालना है, जिनको मैथ आती है वो समझ रहे होंगे, लॉग निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, पावर निकालनी है, कॉम्प्लेक्स किस्म का बनाओ, कोई भी नंबर लिखो इसके अंदर ऐसे और ये आपको डेरिवेटिव निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, ज़रा इसके हम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा बेहतर दिखेगा हमें। ये देख रहे हो कोर एक्सप्रेशंस, अलजबरा में चलते हैं ना, चलो हाँ, ये सिंप्लीफाई भी कोई मैथ होता है शायद, है ना? नहीं मतलब मुझे नहीं पता लेकिन सुना सुना लग रहा है कुछ। डेरिवेटिव देखो, ये डेरिवेटिव है, यही है ना वो मैथ जिसको पढ़ के दिल करता था बाल नोच लूँ अपने में, ये सब इन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। रैशनलाइज करके कोई चीज़ है वो भी ये इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। कोई यार आसान वाली में चलते हैं कहीं, एग्जाम्पल्स, फ्रैक्शंस, चेनिंग, बिग नंबर, मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस भी एक मैथ होता है ना, मैट्रिक्स तो मुझे आती है क्योंकि मैट्रिक्स कंप्यूटर साइंस में बहुत इस्तेमाल होती है, मतलब हम नहीं लिखते कोड वर्ड फॉर, हम इन्हीं कई फंक्शन यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, यानी फोटोशॉप जो चल रहा है ना वो पूरा मैट्रिसेस पे चल रहा है,
ठीक है। तो जहाँ पे ग्राफिक्स की बात आती है, जहाँ पे चार्ट वगैरह की बात आती है, तो वहाँ पे मैट्रिसेस रहते हैं। तो मल्टीप्लाई जो भी हो रहा होता है वो इस फॉर्मूले से ही हो रहा होता है। तो मैट डॉट मैट्रिस, और इसने देखो यहाँ पे एक डेटा दिया और वो कुछ करके दे दिया उसने, ठीक है। ये देखो स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला हुआ है इसने। ठीक है, फैक्टोरियल भी आप निकाल सकते हैं किसी नंबर का, ठीक है। दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो वो भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी मुझे याद आई, ये आप सोच रहे होंगे कि मैथ डॉट मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यार, ये क्या बकवास है। आपने टू लिखा, मल्टीप्लाई फाइव तो हो गया ना, ये इन्होंने यहाँ क्यों बनाया, ये क्या बकवास है। या तो इनके पास टाइम बहुत ही फारिग था, उन्होंने बोला यार चलो सब बना दिया तो ये क्यों छोड़ा, ये भी बना देते हैं या तो ये सीन था, या तो कोई जेन्युइन रीज़न है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जेन्युइन रीज़न है। रीज़न ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लोग बनाते हैं ना आमतौर पे, वो मैथमेटिशियंस नहीं होते, ठीक है। वो मैथमेटिशियंस नहीं होते, वो ज़्यादातर टेक सेवी लोग होते हैं, वो टेक ही किस्म के लोग होते हैं। तो मैथ में ना वैसे तो लगता है 1+1 2 बहुत ईजी लगता है, लेकिन मैथ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इंटरनली। तो इसके बीच में ना बहुत कुछ हो रहा होता है जिसका ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ज़ीरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 0-0 क्या होना चाहिए मैथ में? कंप्यूटर साइंस का जो जींस टी शर्ट वाला बंदा है ना, वो बोलेगा, मतलब उसको सवाल ही समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा ये क्या बकवास सवाल है यार, 0-0 कह रहा है, 0-0 क्या होता है। मतलब वो तो ऐसे सोचेगा ना कि मेरे पास 0 रुपए थे और किसी ने मुझसे 0 रुपए ले लिए, अगर ये क्या सवाल है बकवास, ठीक है। लेकिन मैथमेटिशियन बोलेगा नहीं, इसमें सेंस है। तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है मैथ करते हुए। यही वजह है कि आप मुख्तलिफ मीम्स आपको नज़र आएंगी, जावास्क्रिप्ट की जो मैथ्स है ना उसको लेके मुख्तलिफ मीम्स बनी हुई है, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप एक ही नंबर को जब माइनस करेंगे तो अलग आंसर आएगा, प्लस करेंगे तो अलग आंसर आएगा, पॉइंट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी ना। तो जितने भी मैथमेटिक्स वाली ऐप्स होती हैं ना, साइंटिफिक ऐप्स होती हैं जो, या थोड़ी जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल मैथ्स होती है कि भाई इस मैथ का जो आंसर आएगा ना, उस आंसर के बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि मिसाइल फायर करना है या नहीं, कोई ऐसी हो सकता है ना, प्लस माइनस हो गई। तो उसमें कोशिश करते हैं हम कि जो जावास्क्रिप्ट का अपना जो है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी इस्तेमाल ना करें, किसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, ऐसी लाइब्रेरी का जो किसी साइंटिफिक बंदे ने लिखी हो, जो मैथमेटिशियन से टेस्टेड करवाई गई हो कि हाँ भाई ये सही रिजल्ट देती है। इवन दो कि आईफोन का भी जो कैलकुलेटर है ना, वो भी आपको सही रिजल्ट नहीं देता, उस पर भी मीम्स बनी हुई है। आईफोन का कैलकुलेटर कई जगह पे गड़बड़ा जाता है वो, ठीक है, एक प्रॉब्लम है वो उसके अंदर भी, तो पता नहीं वो फिक्स भी नहीं की उन्होंने, वो भी सही है, मतलब करनी चाहिए फिक्स, वो भी फिक्स नहीं की उन्होंने। वेल, अब पता नहीं वो क्या चक्कर है। तो मैंने ये देखा है अपने इतने टाइम के एक्सपीरियंस में कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कोशिश करते हैं कि हम वो किससे करें। जैसे बोला जाता है पाइथन जो है ना, वो साइंटिस्ट की लैंग्वेज है, मैथमेटिशियंस ने बनाई है, प्रोफेसर्स ने बनाई है, लेकिन पाइथन के अंदर भी जब प्लस माइनस की बात आती है तो वो नम पाई का प्लस माइनस अलग है। एक उसमें लाइब्रेरी होती है, मैथ की लाइब्रेरी होती है, नंबर्स की लाइब्रेरी होती है, नंबर्स के साथ जो जो कुछ किया जा सकता है ना, वो सब नम पाई में उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत सारे फंक्शन है, जो फंक्शन आपको चाहिए वो यूज़ करो आप। तो उसके अंदर जो प्लस माइनस है ना वो अलग है। एक पाइथन का अपना भी है कि भाई टू लिखा, प्लस का लिखा और आगे कुछ और लिख दो, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस सब यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, इस वजह से, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का अपना वाला एक्यूरेट नहीं है, उसमें गड़बड़ है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि भाई फंक्शन क्या होगा, लाइब्रेरीज बनी हुई है फंक्शन की, हम वहाँ से फंक्शन को उठाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि, अच्छा कभी कभी हम खुद भी बना रहे होंगे। अच्छा, एक बात और रह गई है आखिरी, कि ये फंक्शन जो है ना, ये तो ES5 का मैंने लिख दिया ना, शुरू में लिखा था, मैंने कहा ES6 में देखेंगे कि क्या होता है। तो ES6 में ना इसी फंक्शन को अगर मैं लिखूँगा, बल्कि एक काम करते हैं, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, एक सिंपल सा सम वाला बना लेता हूँ, एक सिंपल सा ना सम का फंक्शन बना लेता हूँ, उसको फिर हम ES6 में लिख के देखते हैं। वो ऊपर जो सम वाला था ना, उसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ES6 जो है ना, मोस्टली क्या है, सिंथेटिक शुगर है। सिंथेटिक शुगर क्या होता है कि ऐसा कोड, मतलब काम वही करेगा वो, लेकिन
सिंटैक्स उसका ऐसे करके चेंज किया जाए कि कोड लिखने वाले को लिखने में अच्छा लगे और पढ़ने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड सिंटैटिक शुगर। तो फंक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करता है ES6 में भी, कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, सिंटैक्स में फ़र्क है। और ये जो सिंटैक्स का चेंज है ये सिंटैटिक शुगर वाला चेंज है कि भाई पढ़ने और बोलने में अच्छा लगे। तो ये है भाई ES5 का, इसको तो मैं चेंज कर देता हूँ। अब ES6 में जो बनता है ना फंक्शन, वो बनेगा लेट करके, लेट डू सम इक्वल्स टू और एरो। तो इसमें किया क्या है, असल में फंक्शन का कीवर्ड हटा के ना ये एरो लगा दिया उसने, बोला यार फंक्शन तो पता है ना लिख क्यों रहे हैं, अल्लाह फंक्शन तो पता है ना कि फंक्शन है भाई ये, तो लिखने की क्या ज़रूरत है। वेरिएबल में तो हम नहीं बोलते कि लेट वेरिएबल है ये, हम बोलते हैं लेट और उसका नाम डायरेक्ट, वो तो पता है ना हमें, नज़र आ रहा है कि भाई ऐसे करके गोल है उसके आगे। फिर उसने बोला चलो एरो लगा देते हैं थोड़ा और ज़्यादा निशानी के लिए कि भाई मतलब कहीं इफ एल्स ना समझ बैठो आप उसको। तो उन्होंने बोला सही है, इतना लंबा फंक्शन टाइप, कीबोर्ड के स्ट्रोक्स ज़्यादा लगते हैं ना, पूरा FUNC, देखो F इस तरफ है, फिर U ऊपर है, फिर N नीचे है, फिर T दोबारा ऊपर है, आपके की स्ट्रोक्स ज़्यादा, ये बचाता है की स्ट्रोक्स आपके। तो ये सिंटैटिक शुगर है, अंदर सब वही चल रहा है। अच्छा ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, ख़त्म हो गई बात, कोई इसमें मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अब ये मैं यहाँ पे कोड लिख के छोड़ दूंगा, इसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं लिख के छोड़ दूंगा। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो ES5 वाला लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है ES6, दोनों आपके पास आ गया, दोनों आपके पास है, कोई भी आप दोनों में से लिखें एक जैसा काम करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। बेहतर ये है कि आप नया वाला लिखें ताकि वो कोड आपका लेटेस्ट काउंट हो। अच्छा एक इसके अंदर वेरिएशन और भी है, अच्छा एक इसके अंदर वेरिएशन ये है कि अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये पैरामीटर जो है, अगर वो दो नहीं हो, एक हो, मे बी एक हो अगर, तो आपको ये गोल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक है ना तो गोल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, दो है तो फिर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा एक क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा मैथ है जिसमें एक चीज़ देखे, हाँ क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब वगैरह। तो मैंने कहा भाई क्यूब, गेट क्यूब लिख दिया मैंने जैसे मिसाल के तौर पे, तो गेट क्यूब उसका एक आर्ग्यूमेंट है नंबर, और ये नंबर क्या होगा, अपने ही आप से ही मल्टीप्लाई होकर तीन दफ़ा रिटर्न हो जाएगा, नम मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है, और रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात, आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अब इन्होंने बोला कि भाई अगर ये आपका जो फंक्शन है ना, अभी देखो दो लाइनें लिखी हुई हैं इसमें, दो लाइनें लिखी हुई हैं, अगर इन्होंने बोला अगर एक लाइन में रिटर्न होगा ना अगर, तो आपको ये बॉडी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं, देख लो। लेकिन वैसे तो नॉर्मली बनाते हैं हम, ऐसा वाला ही है, लेकिन ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल, आप चाहें तो इसको अभी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, ये जो मेरे वेरिएबल बनाया ना यहाँ, इस वेरिएबल को हटा देता हूँ मैं, बोलता हूँ भाई रिटर्न, और रिटर्न के आगे मैं यही डायरेक्ट ये बात लिख देता हूँ, तो मेरा रिटर्न कितने में हो गया, एक लाइन में हो गया। तो इन्होंने बोला कि यार अगर एक लाइन का रिटर्न है ना आपका, तो आप क्या करो, इस रिटर्न को ना आप कट करो यहाँ से और यहाँ ला के लिख दो, दैट्स ऑल। इन्होंने बोला कि अगर एरो के बाद बॉडी भी अगर बनाना चाहें पूरी बॉडी आप, तो उसमें रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो तो रिटर्न ही है वो, उसका मतलब, ठीक है। तो आपने देखा कि ES6 का जो फंक्शन है वो क्या है, वो सिंटैक्टिक शुगर है जस्ट, ठीक है, और अंदर सब वही है, अंदर कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ये प्रॉपर तरीके से लिखें आप, आपको जैसे सहूलत हो रही है। तो ये की स्ट्रोक्स बचाने के लिए ना, सारे देख रहे हो ब्रैकेट ब्रैकेट सारे गोल पैरेंथेसिस सब खत्म कर दिए इसमें से। इन्होंने बोला यार ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा फंक्शन लिखो फिर ऐसे गोल बनाओ फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ, भाई फंक्शन एक ही लाइन का है तो एक लाइन में ख़त्म करो उसको। तो ये सिंटैटिक शुगर हमने देख लिया कि भाई ES6 का फंक्शन कैसे लिखा जाता है। अच्छा कॉल बिल्कुल उसी तरह होगा, कॉल करने में कोई चेंज नहीं है, जैसे गेट क्यूब अगर मैंने कॉल करना है तो ये मैं गेट क्यूब को उसी तरह कॉल करूँगा, और इसमें अब तो मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना है, तो टू का मैंने देखो क्यूब निकालने की कोशिश की, तो देखते हैं क्या निकलता है। टू का क्यूब, टू का क्यूब निकला 8, 2 × 4 × 8 सही निकला। तो ये मेरा फंक्शन है, मैं एक दफ़ा और इसको कॉल कर देता हूँ, अब इसको मैं दे देता हूँ 6, ठीक है, आगे रिफ्रेश किया तो 6 का निकला 216 क्यूब, ठीक हो गया।
ES6 का फंक्शन हमने समझ लिया जी। हाँ, ES6 का जो फंक्शन है ना वो लिखें आप तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं सिंगल लाइन में? नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो एक नहीं है, दो है, तो फिर आपको ये गोल ब्रैकेट लगानी ही पड़ेगी ना चाहते हुए भी। ठीक है, सेट हो गया। अच्छा, अभी एक लाइन में रिटर्न कर रहे हैं आप, तो एक लाइन में रिटर्न क्या आप हमेशा कर सकते हैं? नहीं। अगर आपका कोड लंबा है तो फिर आपको बॉडी बनानी पड़ेगी, तो ये ऑप्शनल चीज है, ये हमेशा आप कर नहीं सकते, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ करें आप, यही रेकमेंडेड है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल इसमें? अच्छा, अगली क्लास में हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, आज तो खैर अब टाइम नहीं बचा, हम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसी लाइब्रेरी नहीं बल्कि अगली क्लास में, क्यों अभी तो असाइनमेंट पहले बताऊँ ना मैं, अगली क्लास का तो खैर अगली में ही देखेंगे, नहीं अगली क्लास में, वैसे हम इंटरनेट पे ना API कॉल करने की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, हम इंटरनेट से वेदर का असली डेटा गेट करके लाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो इंटरनेट हम अब हमारा आने वाला है। अच्छा, लेकिन आज के लिए असाइनमेंट आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, आज के लिए असाइनमेंट ये है कि ये math.js की जो लाइब्रेरी है ना, ये आपने यूज़ करना है। ये यूज़ कैसे होगी, इसमें लिखा हुआ है सब जगह पर, ठीक है, बल्कि मैं बता ही देता हूँ कैसे यूज़ होगी। गेट स्टार्टेड, अच्छा ये डाउनलोड पे मैं गया, और डाउनलोड पे जाने के बाद ना मैंने क्या किया, कैसे डाउनलोड होगा ये, अच्छा ये चार इन्होंने जो दिए हुए ना URL, इनमें से किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एक JS की ना एक फ़ाइल दे देगा मुझे, ये एक ना मुझे JS की JavaScript की एक फ़ाइल दे देगा मुझे, ये दे दे भाई, बहुत टाइम लगा रहा है ये तो। इम्पोर्ट हमने सीखा नहीं है ना अभी। अच्छा ये CDN मिल गया मुझे, ठीक हो गया, ये CDN ना मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अच्छा देखो ये CDN यूज़ कैसे होता है बता देता हूँ, आप आओगे यहाँ हेड में, और हेड में आके ना आप ये पेस्ट कर दोगे, आप देखो क्या है ये स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्या है SRC में ना वो URL लगा हुआ है एक JavaScript की फाइल का, ये JavaScript की फाइल चाहो तो आप डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लो और SRC करके अटैच कर लो, या तो ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। वैसे भी गूगल पे जाके लिखोगे ना math.js और साथ में लिखोगे CDN तो ये CDN आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल लाइब्रेरी अभी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया मैंने, लेकिन आप कहीं और से भी मिल जाता है आपको, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा ये हो गया आपका, अब उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ जो इन्होंने बताया हुआ ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में जाओगे आप, और एग्जाम्पल्स में जाने के बाद मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि यार कोई आसान सी चीज़ नहीं नज़र आ रही मुझे, बेसिक यूजेज में आ जाता हूँ। देखो बेसिक यूजेज में क्या है, math.round, ठीक है, math.log, तो मिसाल के तौर पर मैं log वाला यूज़ कर लेता हूँ, log 10 इसमें कैलकुलेट किया जा रहा है आई थिंक, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऐसे math.log बस, और इसको मैं क्या करवा दूँगा स्क्रीन पर console.log करवा दूँगा। ये असल में क्या हुआ है, एक फंक्शन कॉल हुआ है math.log, तो ये लॉग को देखो कॉल सिग्नेचर लगा हुआ है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कॉल हुआ है, दो इसके पैरामीटर्स हैं, अब ये दोनों पैरामीटर कौन से हैं वो उधर उन्होंने लिखा हुआ है, math.js की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना है आपने, तो देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ मैं कुछ लगा भी देता हूँ, मैंने कहा लॉग ये मैंने कॉमा करके ना, बस ये हम दो मिनट में ख़त्म करते हैं अब ये करके, ठीक है, लॉग इसका 4 आ गया, सही हो गया। मैं इसका अगर कुछ log 2 निकाल लेता हूँ अगर मैं, तो ये 8 आया है, तो सॉरी 13 point something आया है। तो ये मैंने आपको लाइब्रेरी ना इस्तेमाल करके भी दिखा दी थोड़ी सी, आपने अब क्या करना है, यहाँ पे से जाके ना बेसिक जो 4-5 मैथ्स है ना आपकी, लीनियर रिग्रेशन वगैरह और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं कौन कौन सी,
तो इस तरह की ना कोई मोटी मोटी जो मैथ जिसने आपको सबसे ज़्यादा तंग किया है वो सारी मैथ का ना आपने एक ऐप बनानी है, एक ऐप बनानी है उसमें वो सारी मैथ हो। मिसाल के तौर पे अगर दो नंबर को प्लस करने का है तो उसमें ऊपर एक सेक्शन बना हुआ सम, उसमें नीचे दो डब्बे बने हुए हों, दो नंबर लिखा एंटर किया सम नीचे कैलकुलेट हो गया। ये लॉग है अगर तो आपने कहा लॉग किस नंबर का निकालना है, 384 का निकालना है लॉग, और लॉग 2 या लॉग 10 या लॉग 5 वो 2 लिखा एंटर किया सामने रिजल्ट। तो ये एक ऐप बनानी है, 5 बना लो मिनिमम, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, पूरा जितनी लाइब्रेरी के फंक्शन है सबके बना के छोड़ दो, उसमें अलग अलग पेजेस बना दो बाकायदा। देखो ये वेबसाइट बन सकती है ना आपकी, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सीख रहे हो, कुछ अपनी वेबसाइट बनाई, कुछ अपना ऐप, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आपके पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, सही है? कुछ नहीं तो नानी दादी के आगे तो टशन तो मार ही सकते हो कि ये मैंने बनाया सारा। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ नहीं, वो मैथ डॉट रैंडम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन मैथ की लाइब्रेरी है, वो कैपिटल एम से मैथ है, ये स्मॉल एम से मैथ है। वो है रिकॉर्ड, अभी ख़त्म अभी नहीं की मैंने। अच्छा ये मैनीशेड पता है आपको क्या? हाँ मैनीशेड वेबसाइट का मैनीशेड आप पता है मुझे। तो इस पे जो हम चैटबॉट जो बनाते हैं वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करते हैं एक चैटबॉट से, या सबसे अलग असल में मैनीशेड जो है ना थोड़ा बेसिक है, हम मैनीशेड नहीं सीखेंगे, हम डायलॉग फ्लो सीखेंगे। वो तो सीखेंगे तो तकरीबन छः रहेंगे, तो वो जो चीज़ें मैनीशेड पे होती हैं ना वो सारी चीज़ें डायलॉग फ्लो पे भी हो जाती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा और भी चीज़ें हो जाती हैं। अभी इस वक्त मैं कुछ अकाउंट वगैरह हैंडल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ऐसा हो जाए कि भाई अगर मैं ना सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा हूँ तो एक चैट बोर्ड पे सारे सोशल मीडिया का मैसेज आ रहा हूँ, मैं एक चैट इंटीग्रेशन की तुम बात कर रहे हो कि चैट बोर्ड बना के मैं कितने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैनी चैट ने ना एक लिस्ट बनाई हुई है इंटीग्रेशन की, जहाँ जहाँ पे वो अलाउ करते हैं वहाँ वहाँ पे आप कर सकते हो। मे भी अगर रेस्ट API देते हैं तुम्हें तो वो दुनिया के फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे लग जाता है। डायलॉग फ्लो को रेस्ट API देता है, तो REST API के जरिए आप किसी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डायलॉग फ्लो का बना हुआ चैटबॉट डिप्लॉय कर सकते हैं। वन क्लिक इंटीग्रेशन भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है वो लिमिटेड है। ओके ओके सही चीज़ बताइए कि अगर ये लिंक इस पे खोल लो हाँ तब तो खुल रहा है, लेकिन अगर किसी को ये लिंक भेज रहा हूँ वो क्रोम पे खुल रहा है तो वो नहीं खुल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर मैं आपको भेजूँ तो आप हाँ मुझे भेजो।